हमारे साथ है अनीशा सेठ जी। वैसे अगर बात करें स्ट्रीट फूड की तो रीजन टू रीजन ये भी डिफर करता है, जैसे कोलकाता के रोल्स, मुंबई के वड़ा पाव और नॉर्थ इंडिया की चाट फेमस है। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी एक रेसिपी जो भोपाल से हमें लिख भेजी है शांति विश्वकर्मा जी ने, और ये भी वहाँ का एक स्ट्रीट फूड हमें बताना चाहती हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। इसका नाम है चाट कटोरी। चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले तो हमें इसका एक बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए ये मिक्सिंग बोल है हमारे पास। इसके अंदर सबसे पहले ये बाजरे का आटा डाल देते हैं, करीब एक कप बाजरे का आटा। और इसके अंदर ये मैश पोटेटो डाल रहे हैं। तो अगर आप एक कप बाजरे का आटा ले रहे हैं तो एक आलू को उबालकर उसका मैश हम यूज कर सकते हैं। साथ में डालते हैं नमक इस स्वादानुसार। और अब इसके बाद इसके अंदर अगर हम इस तरह से ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह आप इसका एक हार्ड डो बनाएं, हाँ, तो वो हार्ड डो मैंने पहले ही बना के रखा है, हाँ, आपको दिखाता हूं। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही आटा है जैसा कि यहाँ पर अगर मानते हो। तो इस आटे को हम बाहर निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ हमारे पास ये आटा रेडी है, हाँ। अब हमें इसके मोल्ड्स बनाने हैं, हाँ, तो उसके लिए आप प्लीज मुझे ये पास कर दीजिए, मैं इसमें से ये उठा लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर कुछ मोल्ड्स हैं, हाँ, और इन मोल्ड्स को ग्रीस करना है ऑयल से। आप चाहें तो बटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इंडियन कुकिंग में ज्यादातर ऑयल ही यूज करते हैं, हाँ, बटर इतना यूज नहीं करते। इस तरह से आप इन सबको ग्रीस कर लें। ये लीजिए, इसी तरह हमने सारे के सारे मोल्ड्स ग्रीस कर लिए हैं। अब ये जो डो है, हाँ जी, इसका एक बड़ा लंप लेके इस तरह से हम इस मोल्ड में डाल देते हैं। ठीक है, हमें इसको एक मोल्ड की शेप देनी है, हाँ जी। इसी तरह से हम बाकी सारे मोल्ड्स भी भर लेते हैं। तो ये लीजिए, इस तरह से हमने सारे के सारे मोल्ड्स लाइन कर दिए हैं इस डो से जो हमने यहाँ बनाया था। अब हमें इसको बेक करना है। ओवन मेरे पास रेडी है 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस पे करीब 12 से 15 मिनट तक इसे हम बेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इन मोल्ड्स को थोड़ा सा पंक्चर कर देता हूँ इस तरह से, ताकि इसके अंदर हवा ना भरे, क्योंकि अगर इसके अंदर हवा भर गई, थोड़ा एरेट हो गया, तो इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे, वो हम नहीं चाहते। इस तरह से ये लीजिए, डन है। आप प्लीज मुझे वो पकड़ा दीजिए डिश। अब मैं ये सारे मोल्ड्स एक साथ अवन में रखने जा रहा हूँ 200 डिग्री सेल्सियस पर। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, अभी तक ये टार्ट्स यानी कि कटोरियां पक चुकी होंगी, तो जल्दी से मैं इन्हें अवन से निकाल लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट अब पक चुकी हैं, लेकिन इन्हें अभी हम थोड़ी देर तक रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद हम इन्हें इन मोल्ड से निकालेंगे, हाँ, और उसके बाद इन्हें भरेंगे। लेकिन भरेंगे किस चीज से, वो स्टफिंग हम अभी बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक बोल है, और इस बोल के अंदर हम डालते हैं ये केले जो स्लाइस करके रखे हैं, साथ ही डालते हैं ये अंगूर जो भी डाइस करके रखे हुए हमने। अब इसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी चीनी, तो करीब 2 चम्मच हमने इसमें चीनी डाल दी। जैसे ही चीनी डालेंगे जो फ्रूट्स के अंदर की शुगर है वो भी थोड़ी बाहर आएगी, ऊज आउट होगी। तो अभी 5 मिनट तक हम रेस्ट ले लेते हैं, ताकि ये दोनों चीजें जो हमें जैस फॉर्म में चाहिए वैसी हो जाएं, और उसके बाद हम इन्हें आगे यूज करेंगे। बिल्कुल, 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये टार्ट्स भी काफी हद तक ठंडे हो चुके हैं, और हमारे पास ये जो शुगर है ये भी अब डिसॉल्व हो चुकी है इसमें। तो अब इन्हें भर देते हैं इन कटोरियों को। ये देखिए, इस तरह से ये सारी कटोरियां हम निकाल लेते हैं। अब एक काम करते हैं, इनको थोड़ा साइड में रखते हैं और वो प्लेटर निकालते हैं जिसमें हमें इन्हें सर्व करना है। हाँ जी। इस प्लेटर में इन्हें सर्व करते हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं ये फ्रूट्स करीब एक एक स्पून भर के। ये लीजिए, फ्रूट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम डालते हैं इसके ऊपर दही, ठंडा दही हमारे पास फेटा हुआ, और अब इसके ऊपर ये जो फ्रेश अनार के दाने हैं ये थोड़े से डाल देते हैं। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस तरह से इसे सर्व किया है। तो कैसी लगी रेसिपी आपको? बहुत ही ज्यादा अच्छा ये, और इतना टेम्पटिंग लग रही है, मन कर रहा है कि बस अभी उठा के खा लो। जी, थैंक यू अनीशा जी।
आप हमारे शो पर आई। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल रेसिपी। माय प्लेजर एज़ वेल। थैंक यू। चलिए यहाँ पर हमने अनीशा जी का तो शुक्रिया अदा कर दिया, अब शुक्रिया अदा कर देते हैं शांति जी का जिन्होंने भोपाल से इतनी फैंटास्टिक रेसिपी हमें लिखकर भेजी। आप भी उनसे कुछ इंस्पिरेशन लीजिए और ऐसी ही रेसिपीज हमें जल्दी से लिख के भेजिए। लेकिन उससे पहले इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। यहाँ पर तैयार है चाट कटोरी। चाट कटोरी बनाने के लिए आपको चाहिए फेटा दही 6 छोटे चम्मच, बाजरे का आटा 1 कप, कटे केले 1 कटोरी, चीनी 2 छोटे चम्मच, अनार के दाने 3 छोटे चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, कटे खजूर 1 कटोरी, उबला कसा आलू 1, तेल 3 छोटे चम्मच। अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें। बेस बनाने के लिए एक बोल में बाजरे का आटा, आलू, नमक और तेल डालकर डो बना लें। मोल्ड्स को तेल से ग्रीस करके डो को इस तरह लगाएं और 200 डिग्री सेल्सियस पर 12 से 15 मिनट तक बेक करें। स्टफिंग बनाने के लिए एक बोल में केले, अंगूर और चीनी डालकर मिला लें। मोल्ड से कटोरियां निकालकर प्लेटर में रखें और स्टफिंग भरें। ऊपर से दही, अनार के दाने डालें और सर्व करें।